मोदी जी के बारे में कुछ कहा दीजिए अच्छा अच्छा अरे उसने ने पूरा गड्ढा खोद कर रख दिया पूरे देश का। मोदी तेरे राज में कटोरा दे दिया हाथ में। बाबा साहब अखिलेश यादव आगरा पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में राहुल गांधी भी पहुंचने वाले हैं, पर अखिलेश यादव के समर्थकों को देख लीजिए हुजूम। अखिलेश यादव समर्थकों का हुजूम और अखिलेश यादव ने समर्थन दिया है इंडिया गठबंधन को, साथ के साथ राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा को समर्थन दिया है और साथ में आने की बात की। अखिलेश भैया सबकी सरकार में अखिलेश भैया समाजवादी पार्टी जिंदाबाद क्यों 100% पर मोदी जी आ रहे हैं और चौबीस में भी मोदी जी के वादे सारे झूठे हैं। मोदी जी के सारे वादे झूठे हैं। उन्होंने तो कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, नहीं केवल फर्जी है मोदी जी। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पर कर रहे हैं, आप देख लीजिए कोई भी भर्ती आज तक नहीं हुई है। आप देख लीजिए भर्ती, देख लीजिए महंगाई, देख लीजिए बेरोजगार, देख लीजिए शिक्षा, देख लीजिए किसान मर रहा है, किसानों को मारी जा रही है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये झूठे और लुटोरियों की सरकार है, ढोंगियों की सरकार है, केवल मंदिर मस्जिद के नाम पर चुनाव लड़ रही है। आपके अखिलेश भैया क्या कर रहे हैं? अखिलेश भैया को जनता विकास के नाम पर जा रही है, जनता विकास के नाम पर वोट देगी और राहुल भैया साथ में आ गए। राहुल भैया साथ में आ गए, अखिलेश भैया जनता को बढ़ाना चाह रहे हैं और अखिलेश भैया की सरकार आनी चाहिए। जिंदाबाद मोदी जी फिर से वापस आ रहे हैं। मोदी जी आवाज आते हैं, मोदी जी की कोई सुनना ना है। मुट्ठी भर ले लिया मोदी जी ने, चुटकी भर दे के मुट्ठी भर ले लिया, अब नहीं आएंगे। क्या चुटकी भर दिया, क्या मुट्ठी भर? चुटकी भर देते हैं और मुट्ठी भर ले लेते हैं जनता से, अब कुछ नहीं है। हवा मोदी जी की क्या ले लिया चुटकी भर? चुटकी भर जनता को देकर और मुट्ठी भर ले लिया, अब समझ लो तुम। नहीं समझा भाई, भाई आप बता दो, तुम समझदार हो सब समझ लिया, समझदार हो तुम, जनता को बताओगे ना? जनता को और मुट्ठी भर खींच लिया आप, जनता को आप बताओगे ना जनता से क्या चुटकी भर लिया? आपको नहीं मालूम? नहीं मालूम भाई, सब जुमले वादे करे गारंटी देते हैं लेकिन कोई काम की नहीं है। मोदी जी की गारंटी पक्की गारंटी होती है? कोई गारंटी नहीं है। 15 लाख दे दिए क्या? किसके खाते में आ गए बताओ? तुम्हारे खाते में आ गए? तो फिर कैसे कह दी आपने मोदी जी की गारंटी पक्की है? उन्होंने कहा मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सब तो बेच डाला, अब क्या रह गया है? दादा परदादा ने कमाया, बच्चों ने गवा दिया, वो हिसाब कर दिया। अच्छा क्या कमाया है, क्या कमाया है? मोदी जी के तो झूठे वादे हैं और कुछ नहीं, कुछ नहीं है मोदी जी के। सारे झूठे वादे हैं मोदी जी के, मोदी जी के झूठे वादे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, समाजवादी पार्टी इस बार वापसी करेगी? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी, बिल्कुल। तो देख लीजिए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का यह हुजूम और अखिलेश यादव यहाँ पहुँच चुके हैं। इस मंच पर अखिलेश यादव बैठे हुए हैं और थोड़ी देर में राहुल गांधी आएंगे, दोनों साथ में यात्रा करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा। क्या नाम हुआ चाचा आपका? संजय तेलंग। संजय तेलंग। तब मोदी जी के बारे में कुछ कह दीजिए अच्छा अच्छा अरे उसने पूरा गड्ढा खोद कर रख दिया पूरे देश का, पूरे देश में गड्ढा खोद के रख दिया, इस हालत में ला के रख दिया कि 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज पे ला के रख दिया। मोदी तेरे राज में कटोरा दे दिया हाथ में। 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज पे ला के रख दिया उसने, कोई भी वादा उसका सच्चा निकला? 15 लाख मिले किसी को? स्मार्ट सिटी बनी किसी कहीं? पहले बुलेट ट्रेन आई? कौन से वादा उसका सही है? उसने तो बनी बनाई जायदाद राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर राम मंदिर से किसी को फायदा नहीं होगा, उसका चंदा वही खाएगा, उसका जो भी आएगा वही खाएगा, अपनी पार्टी में लगाएगा। किसी आम जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला उस राम मंदिर से। राम मंदिर में हिस्सा लेने जाएंगे क्या? मोदी ने मोदी ने यह मंदिर बनाया, सब बिन बाबा जी और भुर्रा को बनाया, उनको भीख मांगने के लिए बनाया। देश में 55 करोड़ का कर्जा था, आज 255 करोड़ कर्जा है। क्या कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी कर्जा बढ़ाए जा रहे देश पे, प्रति व्यक्ति 1,40,000 कर्ज में डूब चुका है और इस समय देश में जातियों बांट दिया, काम धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, अरे सुन लो तो, बाबा साहब तो अमर है ही,
बाबा साहब के बदौलत ही आप लोग लोकतांत्रिक अधिकार है। हमारे पास दौलत है, बाबा साहब की बदौलत है। जोर क्या है बताओ और पूछो। मोदी की बदौलत कुछ भी नहीं है। नहीं, मोदी क्या है, मोदी कौन है? बाबा साहब अमर रहे, अमर है, अमर रहेंगे। बाबा साहब के समर्थक किसके साथ है? हमारे साथ। बाबा साहब अमर रहे के नारे लग रहे हैं और अम्बेडकरवादी भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि देश में अब कांग्रेस की सरकार बने। अम्बेडकरवादी विचारधारा के जितने लोग हैं वो चाहते हैं कि अब देश में जो बीजेपी है उस बीजेपी हटेगी, बीजेपी हटेगी, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, बसपा लाएंगे, अम्बेडकरवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर से ना आए और फिर से एक बार अम्बेडकरवाद का प्रचार प्रसार हो। और यहाँ पर अखिलेश यादव के समर्थक भी थे, अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग भी हैं, मंच से जय भीम के नारे लग रहे हैं और राहुल गांधी हम छोड़कर भी जाते हैं। उत्साह लोग आने वाले हैं, अखिलेश यादव आ चुके हैं, आगे यात्रा को सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।